गोवन लोकल ब्रेड इसका अच्छा पोई गोवा में क्या बात है यार, ये देखो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब अटल सेतु अभी हमने गूगल सर्च किया है, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर यॉट्स, क्या बात है। पुर्तगीज डिश है एक्चुअली। अच्छा, जो गोवा में वो लोग छोड़ के गए हैं, ये ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर का मसाला है उसमें बनता है। जी एक बार दिखाएं। इस गन गो विद अल्कोहल आल्सो समटाइम्स। हां मुड़का। अच्छा इसके साथ अल्कोहल भी। गोवा में सब चीज में डाल देते हैं ना। गोवा में ना कोई भी लिक्विड ले आओ उसमें बस डाल के आपको पिला देंगे कि भाई ये सॉस में डाल के इसमें डाल के इसमें डाल के। सो इट्स ग्रीन चिली एंड कश्मीरी मिर्ची है। ये कश्मीरी मिर्ची आने के बाद इसका रंग एकदम जबरदस्त हो जाएगा। और तड़का देखो भाई, गोवा में भी आपको ये तड़का और भड़का और जबरदस्त पाव जो है उसका मसाला मिल जाएगा। सेव मारेंगे इसके ऊपर, सेव मारेंगे भाई डेकोरेशन के लिए। हाँ, थोड़ा सा आपका ये चटनी मारेंगे, ये आगे लहसुन चटनी। यहाँ की चटनी में आप कुछ मिलावट नहीं पाएंगे। अच्छा, और कहीं पा सकते हैं मिलावट? हाँ, यहाँ नहीं, गोवा में भी बिल्कुल नहीं पा सकते। क्या बात है, वो कैसे सर? ऐसा भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरि। और भाई साहब फिलहाल हम है गोवा में। हमने ट्रिप शुरू करी थी श्रीनगर से, गाड़ी चला के हम गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा में हम आपको दिखाने वाले बहुत ही जबरदस्त चटोरी स्वाद, जायके और चटाके। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ भाई आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। ऐसा आपको बता दूं कि गोवा में हमारी जो सवारी है वो कुछ इस तरह की है। ये है यामाहा की फेसिनो और रेंट करी है हमने। भाई साहब सबसे पहले हम जिस जगह पे आए हैं इसका नाम है कैफे भोसले। मैंने सुना है कि 104 साल से रन कर रहा है यहाँ पे, कोई बहुत पुराना थिएटर है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है वो 104 साल पहले आना शुरू हुए थे और अब ये खुद में एक लैंडमार्क है। आपने मुझे इसके बारे में क्या क्या बताया था? अराउंड 102 इयर्स ओल्ड। 102 नहीं, 104 हो गए। 104 हो गए। हाँ, तो नया साल चढ़ गया ना। बहुत सर्व करती है बेस्ट वेज फूड। वेज फूड मतलब आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आ जाओ। मैंने जो इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसमें मुझे ये पता चला कि यहाँ की ग्रेवीज और पाव और साथ में एक बंज होते हैं, अपने वाले वो वाले बंद नहीं, जैसे खमीरे होते हैं ना डोगरी कुजीन में, वैसा कुछ होता है। और वो सब कुछ आपको अभी दिखाते हैं। वाइब बहुत सही है यार। सोनम, हाउ इज द वाइब फॉर यू? कहाँ बैठे? इधर बैठ। फटाफट से पहले ये देखो, हमने भाजी विद ब्रेड, यहाँ पे स्वीट्स है, जूस एंड शेक है और हॉट एंड कोल्ड है, ये सैलड्स हैं, इसके अलावा रोटी पराठा नान इसमें मिक्स है, मतलब पंजाबी हैदराबादी पनीर भी है भाई। तो भाई साहब हमारा खाना जो है वो आ चुका है। ये देखो इन्होंने हमारे लिए परोसा है, तो ये पूरी है, कांदा भजी और मिर्ची भजी, ये सूखी भजी है जी आलू की, और भाई साहब साथ में ये समोसा है, ये पंजाबी समोसा है, गोवन समोसा, साथ में ये चटनी कौन सी है? ये नारियल की चटनी है, मशरूम समोसा। भाई ये तो पूरा प्लेटर जो है सामने सजा दिया है, हमारे टेबल भर जाने हैं। ये पाव है, ये चार पांच तरीके की करीज है, कौन सी वाली है? मशरूम भाजी, सैलड भाजी। भाई साहब एकदम ही अलग, पूरा टेबल भर दिया इन्होंने। और ये है जी चना मसाला। सुनो, आपने वेजिटेरियन बोला था, इन्होंने पूरा गोवा का वेजिटेरियन ला दिया यहाँ पे। ये टमाटर भाजी, ये मशरूम, ये आलू भाजी है, सलाद भाजी, और ये पता चल जाएगा, ये भी कोई, ये लोबिया लग रहा है, ये बंस है एकदम अलग, और ये पाव है। मैं तो शुरू करना चाहता हूँ ये गोवन समोसे से। आप किससे शुरू करना चाहते हो? विद मशरूम समोसा। कैसा है? मशरूम की प्रॉपर सब्जी बना के। क्या बात है, ट्राई करो, स्वाद है पक्की बात है। मशरूम की प्रॉपर सब्जी बना दिया उन्होंने। भाई साहब ये गोवन समोसा है, एकदम क्रंची लग रहा है, एकदम क्रिस्पी लग। करते हैं इस चटनी में एंड इसके डो में ना फ्लेक्स हैं और बहुत क्रंची है यार, बहुत क्रिस्पी है पाव के साथ। इधर से सबसे पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या ट्राई करें। सबसे पहले तो आलू वाली भाजी ट्राई करते हैं। ये आलू भाजी, आलू को जीरे का तड़का लगाया हुआ प्लेन, और हरी मिर्च डाल रखी है, स्वाद है, अल्टीमेट है, एकदम सिंपल है, कमाल है। भाई साहब ये टमाटर वाली भाजी है, इसको भी ऐसे डिप करके अच्छे से एंड ऊपर से थोड़ी सी ये आलू और रख के, हियर इज इसमें आलू भाजी में ना हल्की सी सौंफ डाल रखी है, ये बीन्स वाली भाजी है, करीज है,
एकदम बढ़िया, पर इसमें जो फ्लेवर है वो गोवन मसालों के, शायद फ्लेवर आपको इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा। भाई साहब ये बंस है, इसको भी ट्राई करते हैं। इसकी बाइट लेते हैं मशरूम भाजी के साथ। आओ भाई साहब, ये मशरूम भाजी के साथ बंस, मेरी रिकमेंडेशन है अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक तो आलू भाजी, उसके साथ ही गोवन समोसा और ये बन ज़रूर ट्राई करो, कमाल है। बन के अंदर ये भाजी साथ, ये आलू की भाजी भाई साहब, प्याज का पकौड़ा, आलू की भाजी और साथ में पाव। ये जितनी भाजी सामने रखी है ना भाई साहब, सब में एक कॉमन फ्लेवर है सौंफ का, और इसमें जो है ना, ये जो हमने टमाटर वाली खाई है इसमें एक बहुत ही प्यारा सा खट्टा फ्लेवर है। एंड कैन यू शेयर द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस, क्या लोकेशन है? पेंजिम नेशनल थिएटर, नेशनल थिएटर के एकदम बगल में। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? लैंडमार्क है। व्हाट्स पॉपुलर हियर, द मोस्ट पॉपुलर? ग्रेवी और पाव, दैट्स द स्टैंडर्ड गोवन ग्रेवी एंड पाव। साहब इधर से जाते जाते ये कुछ ऐसा व्यू है, लेफ्ट में सी है, सामने वो एक फ्लाईओवर है जो अटल जी के नाम पे है, अभी मुझे नाम नहीं पता, इधर लेफ्ट में लिख दूंगा। यहाँ पे पीछे यॉट्स खड़ी थी, अभी कैसीनोज वगैरह सब कुछ आ रहा है, और इधर शायद कोई चर्च है। साहब ये है वो फ्लाईओवर जो मैं आपको बता रहा था, कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो ये अटल जी के नाम पे है। क्या नाम से सुनो? ये भाई साहब अटल सेतु, अभी हमने गूगल सर्च किया है, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर यॉट्स, क्या बात है, कमाल गोवन वाइब्स भाई साहब। अब जी वैगन नहीं भाई साहब, यॉट ही लेनी है सीधा। क्या बात है यार, इधर कोई होटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इधर कोई G20 की मीटिंग हुई होगी, उसके लिए पार्किंग बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है इधर कोई शादी हो रही है, वो गाना चल रहा है काला डोरिया कंटेनर अड़िया ही हुए। इधर ये सारे कैसीनोज है, मजेस्टिक और साथ में बिग डैडी उधर है। इधर देखो इस तरफ भी है सारे कैसीनोज ना, वो यॉट्स में और शिप्स में। सब गोवन क्यूजीन खिलाने के लिए हम आपको लेके आए फैट फिश पे, रेस्टोरेंट एंड बार है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है। सोनम इसमें क्या फेमस है? जितना मैंने रिसर्च किया है कि फिश थाली बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा। तो आपको तो बहुत अच्छी लगेगी फिर ये। प्योर वेजिटेरियंस का क्या है कि राइस और रोटी वो तो आप खा सकते हो यहाँ पे, राइस और रोटी सोनम के लिए, फिश मेरे लिए, और दिखाते हैं आपको कि क्या वाइब है। अभी हम थोड़ा टाइम से सही टाइम पे आ गए, 6:21 पे हम पहुंचे, और यहाँ पे पूरा शैक वाली वाइब है, और एक टेबल लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, हमें अभी पता चला है कि यहाँ पे जो फिश थाली है, जो पूरा एक डेकोरेटेड थाली आती है, वो मिलती है सिर्फ दोपहर तक, और हम आए यहाँ पे शाम को, क्योंकि भाई दोपहर तक की मैं एडिटिंग कर रहा था, तो भाई शाम को आने की वजह से अब हम सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अला कार्ट हमने ऑर्डर किया है, मतलब 4-5 आइटम्स हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं वो कैसा है। और आप क्या खाओगे? चाकुत्ती? तो हमने भी अंदर से वो दम निकाल के चाकुत्ती। ये चौनक तवा, ये फिश है, और इसको मतलब आपने तवे के ऊपर फ्राई किया हुआ है। और इधर गोवन ब्रेड है, लोकल ब्रेड, गोवन लोकल ब्रेड इसका। अच्छा पोई, वेजिटेबल मिक्स वेज है, कोकोनट बेस्ड ग्रेवी। अच्छा ये मिक्स वेज है, कोकोनट बेस्ड ग्रेवी है, जाकुत्ती बोलते हैं इसको। और इसके साथ ये स्टीम राइस, ये आप और मैं शेयर कर लेंगे। और ये गोवन ऑथेंटिक फिश करी, ये किंग फिश है ना, ये किंग फिश है जी, और सरमोई बोलते हैं ना इसको, सुरमई, ये सुरमई फिश करी है। और भाई साहब अभी सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मिक्स वेज तो है, बट इसमें कोकोनट फ्लेवर है, बट थाई करी अलग है, अपनी जो गोवन करीज है ना, हाँ। ये एकदम ऑथेंटिक है, मतलब ये एकदम प्रॉपर गोवन क्यूजीन है। मैं एक चीज और चाहूंगा इसके बाद, आप पहले तो ये ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं, पहले ये ट्राई करो। मतलब इसका कोकोनट फ्लेवर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा, और इसमें एक वो शायद खसखस डाल रखी है। तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं ये जो तवा फिश फ्राई है ना, ओ यार कितनी सॉफ्ट है एकदम, ये देखो फोक लगाए से टूट रही है, और कमाल लग रही है। और इधर से ये भी जो है उठा ही लेते हैं। फिश एंड चिप्स बनाने हैं तो इसके साथ ये थोड़े से आप फ्राइज ले लो, तो फिश एंड चिप्स बन गए। तवा फ्राई है, इसको पहले तो सबसे पहले इसके 2-3 लेयर जो है मैं काट लेता हूँ, और इसके साथ ये आ गया आलू, एक बढ़िया सी बड़ी सी बाइट बना के। क्यों सी बाइट,
बहुत प्यारी फिश की क्वालिटी है, ये रिवर फिश है। उसके साथ ऊपर जो मसाले जो रगड़े हुए बहुत फ्लेवरफुल मसाले जो है वो लगा के उसको तवे के ऊपर शैलो फ्राई किया हुआ है। तो यहाँ से हम ये राइस जो है ये सर्व कर लेते हैं और यहाँ से हम डालते हैं ये गोवन फिश करी। ये किंग फिश है और इसके साथ ये कोकोनट बेस्ड करी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है यार। मिर्ची भी डाल रखी है इसमें। यहाँ से ये लिया चम्मच एंड हियर्स अ बाइट। हरी मिर्च का क्या कमाल फ्लेवर है, कोकोनट बेस्ड करी है और इसमें खटास के लिए शायद टमाटर भी डाल रखा है। हरी मिर्च ना बड़े साइज की कट करके डाली हुई है तो उसके भी जो जूसेस हैं वो करी के अंदर आ रखे। तो भाई साहब अभी हमें बैक स्ट्रीट बाइट्स पे जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कपल है जो कि यहाँ पे पार्टी सीन वाले लोगों को बाद में बढ़िया खाना खिलाते हैं। सर नमस्कार। मैम नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। मुझे ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको बर्गर्स मिलेंगे, रैप्स मिलेंगे, और गोवन स्पेशलिटी है हमारी। यहाँ पे बर्गर्स, रैप्स, गोवन ऑथेंटिक फूड और उसके अलावा शाम का जो नाश्ता है सुबह 3 बजे तक, 6:30 से 3 बजे तक। अरे वाह, तो बना के दिखाइए ना क्या क्या बनाते हैं। इसको पोई कहते हैं ना? पोई करते हैं इसको। अच्छा हाँ। जी तो इसमें हम लोग चिकन काफ्रियल देते हैं और प्रॉन्स बालचाउन देते हैं। अच्छा, गोवन चिकन चिली भी आता है। जी इसमें। जी हाँ, सो देयर आर मेनी थिंग्स, गोवन स्टफ वी पुट इन। इस पे ये लगा क्या हुआ है जो ये थोड़ा थोड़ा दाना है? ये जो है ऊपर का दाना ये एक्चुअली व्हीट हस्क होता है। व्हीट हस्क? हाँ। ओ वाओ, अर्दन पाउडर है ना उसमें बनाते हैं। मटके जैसा, लेकिन जब ये बेक करने डालते हैं तो जस्ट 5 मिनट्स के अंदर ही बेक होके अच्छा 5 मिनट में रेडी है। हाँ, अरे वाह क्या बात, वेरी फास्ट होता है जी। तो चिकन कैफ्रियल क्या होता है इसको, मतलब ये होता क्या है? कैफ्रियल पुर्तगीज डिश है एक्चुअली। अच्छा, जो गोवा में वो लोग छोड़ के गए हैं, ये ग्रीन चिली और कोरिएंडर का मसाला है उसमें बनता है। जी एक बार दिखाएंगे। ये है वो डिश चिकन कैफ्रियल जिसके अंदर ग्रीन चिली और कोरिएंडर का मसाला, अरे हरिया धनिया और हरी मिर्च है भाई, और चिकन है साथ में, और इसका एक जो स्टफिंग है वो बना के रखते हैं। और इसको आप कैसे फिर इसके अंदर डालेंगे? इसमें स्टफ करके देते हैं हम लोग। अच्छा, फास्ट होता है। दिखाइए। 2 मिनट के अंदर हम लोग रेडी करके लोगों को सर्व करते हैं। अरे वाह, तो भाई साहब ये क्विक फूड है, फास्ट फूड है यहाँ का, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में आपको बन के रेडी हो जाएगा। इसमें जस्ट चिली सॉस डाला है, जो चिकन कैफ्रियल है ऑलरेडी स्पाइसी होता है, बट इसके अंदर जो चिली सॉस डाला है उससे और ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे स्टफ करते हैं अंदर। जी स्टफ करके जी थोड़ा सा कैबेज डाल दिया, और इसके साथ और थोड़ा इसमें ऑनियन भी डालते हैं हम। अच्छा, थोड़ा ऑनियन भी आ गया, ऑनियंस भी डाल के जी करके बाद में, और थोड़ा और चिकन कैफ्रियल। भाई साहब पोर्टुगीज जो लोग छोड़ के गए थे हमने यहाँ पे भर दिया इसको अच्छे से, ये पूरा हम लोग इसमें स्टफ करते हैं। ओ भाई, लोड कर दिया अच्छे से, लोड करके जी तवे पे रखेंगे। अच्छा, करेंगे एकदम जी, गर्मा गर्म मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या होता है मैम? वेज में हमारे पास जैसे चिकन काफ्रियल है वैसे पनीर काफ्रियल भी है। अच्छा, मतलब जो वेज वालों को ऑप्शन है, मिक्स वेज रैप है जी, पनीर मखनी रैप है। अच्छा, पनीर मखनी भी है? पनीर बात है, पंजाब की रेसिपीज जो है वो यहाँ भी पहुँच चुकी है। हमारे पंजाब के कस्टमर बहुत है पंजाब के, तो हम लोग उनके लिए मखनी भी रखी जी, उन्होंने स्पेशली हमको रिक्वेस्ट किया था इसलिए हम लोग वो रखते हैं। सुपर, दिल्ली के भी कस्टमर बहुत आते हैं। देखो ये बर्गर बन रहा है, एक वेजिटेरियन बर्गर, इसमें क्या क्या जाएगा? टोमेटो केचप डाला हुआ है, ये टोमेटो केचप आ चुका है जी, उसके ऊपर ये लेटस आ रहा है, लेट्यूस डालेंगे जी। इसके अलावा ये आ गया जी अनियंस आ गया, फ्रेश कट किया हुआ टमाटो, टिक्की आ गई ऊपर, ये टिक्की या पैटी आ गई ऊपर से, मस्टर्ड भी है यहाँ और पे। ये हमारा होममेड मस्टर्ड सॉस है जो हम लोग ऊपर ऐसे जी डालेंगे। अरे वाह वाह वाह, पीछे से सुप्रिया जी बोल रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे बस क्लबिंग के बाद, पार्टी करने के बाद लोग यहीं पे आके खाते हैं, और भाई उनको चाहिए होता हैवी खाना। और ये बर्गर हो गया जी आपका फ्लिप, और ये वेजिटेरियन बर्गर भी रेडी है भाई साहब, जबरदस्त यार। मैंने एक और चीज पढ़ी है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है नो बीफ नो पोक नो पाम ऑयल। सो बीफ एंड पोक तो आई अंडरस्टैंड, देयर इज रिलीजियस रीजंस, व्हाई नो पाम ऑयल? पाम ऑयल सर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है सर जी। सो आई यूज राइस ब्रान जी, और दे हैव कोकम शरबत आल्सो, यहाँ पे एक लोकल ड्रिंक है जो बहुत फेमस है। कोकम इज अ स्पाइस राइट? इट्स एन एपेटाइजर एक्चुअली, इट्स एन एपेटाइजर डाइजेस्टिव, ओके, एंड It can beat the heat also. It can beat the heat. Superb. ये देखो ये कोकम शरबत है, ये यहाँ पे locals बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत जो है इसी से करते हैं। ओह, एकदम चटपटा। और इसका ना मतलब फ्लेवर अगर अपने जो जैसे नॉर्थ में बताया जाए तो जैसे जलजीरा होता है ना वैसा सा टेस्ट है। This is good in Goa. In coastal belt this is preferred as a
digestive. This can go with alcohol also sometimes. अच्छा इसके साथ अल्कोहल भी गोवा में सब चीज में डाल देते हैं ना जो लोग नहीं पीते वो यही पीते हैं ना अब जैसे हम लोग नहीं पीते तो भाई हमारे लिए सही है बट मैंने देखा गोवा में ना कोई भी लिक्विड ले आओ उसमें बस डाल के आपको पिला देंगे कि भाई ये सॉस में डाल के इसमें डाल के इसमें डाल के है ना सर आई हैव सीन पीपल हैविंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 फॉर ब्रेकफास्ट हाउ कैन सम मतलब 5 बजे सुबह यार ब्रेकफास्ट में मतलब आप लिकर ले रहे हो हमारे यहाँ चाय देखो बियर के साथ बियर इज द गेस्ट इश्यू हियर सो व्हाट इज इट बियर नो इट इज प्रेफर्ड रादर देन टी वी प्रेफर बियर वाओ सो हाउ डू यू वेक अप विद बियर नो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ वे ऑफ गेस्चर ओह इट्स अ जेस्चर ओके इफ एनी कम्स समबडी कम्स नाउ वी ऑफर बियर नॉट टी तो सर मुझे ये बताओ इसमें क्या डालते हो इसमें कुछ नहीं है इसमें कोकम है जी नेचुरल फूड है गोवा का जी 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 अरे वाह सुपर देयर इज नो वोडका राइट नो 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 सर परफेक्ट वी आर नॉट अलाउड आल्सो या या आई एम जस्ट जोकिंग विद यू या बड़ी प्यारी एक कोंकणी फैमिली है ये जो खाना यहाँ पे खिला रहे हैं तो जब भी आप गोवा आओगे ना इनके साथ बैठना आपको ऐसा लगेगा घर पे आ गए यार ऐसी वाली वाइब है यू आर द फादर राइट यू आर द जेंटलमैन्स फादर सिटिंग आई एम इट इज माय टाइम फॉर आफ्टर रिटायरमेंट ओनली हंड्रेड्स ऑफ पीपल न्यू पीपल दैट्स माय इंस्पिरेशन टू लिव एंड लेट लिव सुपर एंड व्हाट डिड यू डू बिफोर दिस मतलब क्या करते थे आई वाज इन द आर्मी वाओ फ्रॉम दैट कौन सा बटालियन इफ आई मे आस्क आई वाज इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अरे वाह 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 नाउ आई एम 67 आई एम जस्ट हेल्पिंग टू माय क्या बात है सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जय हिंद हमारे जो घर के मास्टर शेफ हैं वो ट्राई करने वाले हैं जी ये वेजिटेरियन बर्गर एंड दिस इज द क्रिस्पी वेजिटेरियन बर्गर तो आप नॉन वेज क्यों नहीं खा रहे बताओ ना यार इस शांति को मैं क्या समझूं अच्छा है ना वेरी नाइस यार बर्गर अच्छा है एंड बहुत होममेड फीलिंग है इसमें ना कुछ भी एक्स्ट्रा सॉसेस या कुछ नहीं डाला हुआ इट्स अ वेरी नाइस होममेड बर्गर क्रंची सा क्या बात है और मुझे वो दो यार अपना वो जो चिकन वाला क्या था चिकन काफ्रियाल पोई में चिकन काफ्रियाल हमें सर्व किया जाएगा भाई साहब अभी हम ट्राई करते हैं गर्मा गर्म है एकदम प्योर इज अ बाइट ये देखो एक बड़ी सी बाइट है ग्रीन चिलीज और हरिया धनिया भाई आपको तो पता ही है हरिया धनिया देखो पोर्टुगीज डिशेस में भी हरिया धनिया इम्पोर्टेंट है ग्रीन चिली एंड वाओ मैन मतलब इसको बाइंड करने के लिए भी उसी की पेस्ट बनाई हुई है उसी को यूज किया हुआ है जो गोवन ब्रेड है ना दिस इज द परफेक्ट ब्रेड फॉर पॉकेट्स लाइक दिस जैसे हम और बहुत सारी जगह पर पीटा ब्रेड खाते हैं या अपने जो काठी रोल्स वगैरह होते हैं आई थिंक दिस गोवन ब्रेड बिकॉज ऑफ दैट वीट हस्क जो गेहूं की जो हस्क डाली हुई है इसके ऊपर इसको पकड़ने के लिए लाइक अ पॉकेट लाइक अ बर्गर और लाइक अ टोस्ट और लाइक अ चिकन कैफ्रियाल ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और इसमें इन्होंने जो वो प्याज डाला ना भाई उससे क्रंच इतना मजेदार आया भाई हमने स्ट्रीट फूड ढूंढ लिया गोवा में क्या बात है यार ये देखो किशन भाई है यहाँ पे देखो एकदम गोवा स्टाइल की भाजी जो है वो बनाते हैं मुंबई स्टाइल है गोवन स्टाइल नहीं है ये मुंबई स्टाइल की पाव भाजी है अच्छा ये जैन वाली है तो भाई प्याज नहीं है गोभी है टमाटर है शिमला मिर्च है और ये आप स्पेशल जैन के लिए बनाते हैं अच्छा बहुत बढ़िया यार देखो इधर ये जबरदस्त भाजी एक बना रहे हैं पहले तड़का लगेगा और इसके बाद आपने मैंने सुना एचएम किया है कहाँ से एचएम करके और फिर ये स्टॉल लगाते हैं ये सीखा मुंबई से यहीं से सीखा पप्पा अच्छा आपके पापा जो है वो मुंबई से अरे वाह इनके पिताजी अलग से एक स्टॉल उधर लगाते हैं और इधर भाई ये जबरदस्त पाव भाजी और सेव पूरी और ये सब चीजें लगाते हैं वहाँ पे पाव भाजी नहीं है यहाँ पे पाव भाजी है तो आपको पाव भाजी दिखा के उसके बाद इनके पापा से भी बात कराते हैं एक मसाला है क्या मसाला है भैया पाव भाजी मसाला अच्छा ये आपने खुद रेडी किया है पाव भाजी मसाला इन्होंने यहाँ पे खुद ही रेडी किया हुआ है बहुत ही जबरदस्त इसका जो अरोमा है ना वो आ रहा है हम जा रहे थे अभी तो रास्ते में रुके और हमने सूंघा कि भाई क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है क्या और हम दोनों के नाक और कान एकदम से तैयार हो गए है ना कश्मीरी मिर्ची ये कश्मीरी मिर्ची है ये कश्मीरी मिर्ची आने के बाद इसका रंग एकदम जबरदस्त हो जाएगा और तड़का देखो भाई गोवा में भी आपको ये तड़का और भड़का और जबरदस्त पाव जो है उसका मसाला मिल जाएगा अच्छा ये सिर्फ पाव है ये सब भाजी के साथ करते हैं भाजी के साथ सर्व करते हैं अच्छा 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 जी 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 ये देखो हाँ जी देखो ये भाजी रेडी है भाई साहब
ये पार्सल है और इसके साथ पाव भी दिखा दीजिए। अभी भाई साहब बनेंगे पाव इसके साथ। ये लादी पाव है बॉम्बे वाला? मुंबई वाला नहीं है, मुंबई के जैसा यहाँ नहीं बन पाएगा, बट ये गोवा वाला है ना। ये गोवा वाला पाव है और भाई अच्छे से इसको भी मक्खन में करारा करके और फिर सर्व करेंगे। पाव भाजी की प्लेट कितने की है? बटर 80, प्लेन 70, चीज 100। अच्छा प्लेन जो है 70 की है, बटर 80 की है, चीज है और मसाला है। अच्छा वो सब भी है। जी जी जी, श्रवण जी हैं जी हमारे साथ जो कि हमें दिखाने वाले हैं यहाँ पे जबरदस्त दही पूरी। ये पूरियां जो है उनको काट के और इसके अंदर फोड़ दिए हैं। इधर से तीखा गार्लिक चटनी है, गार्लिक वाली। ये गार्लिक चटनी आ गई भाई, जबरदस्त मुंबई वाली। ये मीठी चटनी है। अच्छा इधर से मीठी चटनी है जी जी। चना डालना छोला, ये वो है ना जो छोला। जी जी जी, ये रगड़ा 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 बोलते हैं बंबई में, किसको रगड़ा बोलते हैं? मटर रगड़ा है भाई, जबरदस्त यार। चाट मसाला सर? अच्छा इसके साथ चाट मसाला। हमें नमक डालना है आपका जी। सेव इसके साथ, ये इंदौरी सेव भाई कमाल जबरदस्त जी। ये दही पूरी जो है ये कितने की प्लेट देते हैं आप? सर 60 की है। 60 रुपीज की प्लेट है। और ये आपने मुंबई से सीखी, यहीं से सीखी? सर हम मुंबई से सीख के आए। ये देखो ऊपर गार्लिक चटनी है जी, मिर्ची वाली। और इसकी वजह से ना एक बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। दही अभी आएगा? हाँ बस दही आएगा अभी। देखो तब सुंदर दिखेगा ना ये? जी जी जी, दही आएगा तभी सुंदर दिखेगा। ये मीठी चटनी आ गई है स्क्वीज करके। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त यार। दही पूरी रेडी है और एकदम जबरदस्त, सीधा दही जो है पैकेट में से निकाला है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं सर यहाँ मिक्सिंग बिल्कुल नहीं जी। और ये देखो इधर, ये दही पूरी बनके तैयार। और भाई साहब चाहे गोवा हो चाहे मुंबई, हरिया धनिया तो इम्पोर्टेंट है ना सर? हरिया धनिया तो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं जी जी जी, ये तो हर चीज में चाहिए इसको। ये बन रही है भेल पूरी। और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो टमाटर आ गया एकदम बारीक कटा हुआ। अभी आलू काट देंगे बारिश में। अच्छा बारीक आलू भी? माल पूरा गोवा का है। अच्छा माल गोवा का है, कुछ गोवा का है जी। टेस्ट मुंबई वाला है। हाँ हम बनाना चाहता हूँ टेस्ट आपका मुंबई वाला। जी जी जी, चुरमुरा बोलते हैं यहाँ पे इसको, चुरमुरा बोलते हैं। इसके साथ ये पापड़ करेंगे जी, पेस्ट करके डाल देंगे। अब देखिए चाट मसाला मार रहे हैं, ये ऊपर से चाट मसाला, ये नमक हो गया जी। और भाई साहब ये आ गया नींबू, ये भी, ये और हरिया धनिया, इसके बिना टेस्ट अधूरा है यार। थोड़ा सा सेव, अब ये मीठी चटनी, ये आ गई मीठी चटनी। इमली की है या ये किसी और चीज़? ये इमली है, खजूर है, इमली और खजूर है जी, जी। और इसमें जो है आपका और जैसे खसखस पड़ता है जी, और लवंग इलायची। अच्छा सब कुछ ही डाल दिया इसमें? गरम मसाला इसमें रहता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जो आपका ये आपका काजू भी रहता है। अच्छा और बादाम रहता है। अच्छा क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ की चटनी में आप कुछ मिलावट नहीं पाएंगे। अच्छा और कहीं पा सकते हैं मिलावट? हाँ यहाँ नहीं, गोवा में भी बिल्कुल नहीं पा सकते। क्या बात है, वो कैसे सर? यहाँ क्या है कि यहाँ सर हर हफ्ते में, दो हफ्ते तीन हफ्ते में फूड डॉक्टर वाले आते हैं, चेक करते हैं जी। और हमारा हेल्थ का भी कार्ड है। अरे वाह, जी जी जी, पंचायत का कार्ड है जी, तो हमने खा लिया। अच्छा सारी जो क्वालिटी है उसको ध्यान रख के फिर बनाते हैं। और ये देखो ये हो गई आपकी भेलपुरी। जी जी जी, तो मिक्स कर देंगे जी। अभी आपकी भेलपुरी तैयार हो चुकी है भाई साहब। तेज चिली, इसका ड्रॉप बहुत है जी। जिसको तेज चाहिए जी उसके लिए ये कल सुबह जल्दी उठा देगी। ये देखो भाई ये भेल रेडी है। इसको सेव मारेंगे, इसके ऊपर सेव मारेंगे भाई डेकोरेशन के लिए। हाँ थोड़ा सा आपका ये चटनी मारेंगे, ये आगे लहसुन चटनी जी, थोड़ी सी मीठी चटनी मारेंगे, ये थोड़ी सी मीठी चटनी भी। वाह, और थोड़ा और प्याज डालेंगे इसके ऊपर जी, प्याज या कांदा? हाँ कांदा खाते हैं जी जी जी। अभी आपका कोरिएंडर, ये हरिया धनिया, हरिया धनिया जरूरी है सर। और एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिए यहाँ पे क्या है। यहाँ इसको बोलते हैं सर परवरी। अच्छा परवरी, परवरी मोलदी गोवा के पास हम लोग हैं। अच्छा और टाइमिंग आपकी यहाँ पे? टाइमिंग हमारा 4 बजे से लेकर 12 बजे, 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो जो पार्टी करके आते हैं वो फिर चटोरी खाने यहीं पे खाते हैं। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया कमाल। भाई साहब मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि स्ट्रीट फूड गोवा में नहीं मिलेगा, तो हमें जा रहा है गोवा, गोवा मत कर। बट भाई हमने स्ट्रीट फूड ढूंढ लिया गोवा में, क्या बात है यार। ये देखो इधर है मुंबई स्टाइल पाव भाजी और इधर है ये दही पूरी। अब ये दही पूरी
मुझे लग रहा है थोड़ी सी ना वो सॉगी हो गई है, बिकॉज हमने इसके बाद भेलपुरी की जो वीडियो बनाई थी तो टाइम की वजह से सॉगी हो गई, बट टेस्ट तभी पता चल जाएगा। हियर्स अ बाइट। थोड़ा सॉफ्ट हो गया बट टेस्ट अच्छा आ रहा है। एक्चुअली इन्होंने जो दही डाला है ना वो एकदम प्योर दही है। गार्लिक का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत कमाल है यार। जो गार्लिक चटनी डाली है ना स्पाइसेस वाली, उसने सारा जो फ्लेवर है वो कैप्चर किया हुआ है। भाई साहब इसमें जो रगड़ा डाला है ना वो रगड़ा का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है। इतनी कमाल है कि सौगी होने के बाद भी अच्छी लग रही है। इसके साथ हम ये ट्राई करते हैं ये गोवन पाव भाजी। ऊपर वाला पीस ज़्यादा अच्छा होता है यार, ऊपर वाले से बाइट लेते हैं। और इसके साथ ये देखो भाई साहब, ये देखो इधर ये भाजी एकदम कमाल। और इसके साथ ये कांदा है ना, है ना, है ना, है ना। ओए होए 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 भाई साहब, हियर्स अ बाइट। लहसुन वाली भाजी है एकदम मुंबई स्टाइल, और शिमला मिर्च का जोरदार तड़का है। पाव जो है वो इतने सॉफ्ट नहीं है जितने मुंबई में होते हैं, बट भाई अगर गोवा में रहते वो तड़का, वो जो भाजी पे तड़का लगा होता है वो मिल जाए तो और क्या चाहिए। कमाल है। आप भी यहाँ पे आके ट्राई करो, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है गोवा के उनको सपोर्ट करो, और आप देखोगे कि हर तरफ गोवा में भी स्ट्रीट फूड है, हर जगह पे है, आपको बहुत मज़ा आएगा।